हाय गाइस और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी और रिव्यू के लिए जो प्रोडक्ट है वो है सिरोना का एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश और ये सिरोना का फेस सीरम लाइक एक्ने फेस सीरम। तो इन दो प्रोडक्ट्स का मैं आज आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सिरोना का एक्ने फेस सीरम सिर्फ एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए, अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तब आप इसे यूज कर सकते हैं। ये हमें एक्ने फ्री और हाइड्रेटेड स्किन देता है। ये हमारे स्किन पर से एक्स्ट्रा सीबम इम्प्यूरिटीज को कम कर देता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देता है और ये मॉइस्चर लॉक भी करता है। तो ये फेस सीरम सिर्फ और सिर्फ एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए है और ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट नहीं है। तो ये सिरोना का एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, इसमें एप्रिकॉट फ्लैक्सीड मिंट ऑयल और ये सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स एडेड नहीं है और इसकी जो प्राइस है वो है 375 रुपीज और ये 375 रुपीज में 125 ml आता है। आप देखते हैं इसकी पैकेजिंग। तो अगर पैकेजिंग की बात करें तो सबसे पहले हमें ये कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है, उसमें ये प्रोडक्ट होता है और यहाँ पर इन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन की हुई है। लाइक इसमें है फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट, एप्रिकॉट सीड पाउडर, और एप्रिकॉट सीड पाउडर क्या करती है, मिंट ऑयल क्या करता है, बीटरूट एक्सट्रैक्ट है, अगेन कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन की है, इन डिटेल मेंशन की हुई है और ये आपको कैसे यूज करना है ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और ओवरऑल जो इनके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। तो ये फर्स्ट आती है कार्डबोर्ड बॉक्स में और जो मेन पैकेजिंग वो है ये ट्यूब फॉर्म में आता है और यहाँ पर भी इन्होंने सभी थिंग अच्छे से मेंशन की हुई है, लाइक हाउ टू यूज ये सभी स्किन टाइप के लिए, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह। सो अगर पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग बहुत ही स्टर्डी है और नाइस है। पैकेजिंग की अगर बात करें तो पैकेजिंग ट्रैवल फ्रेंडली भी है, कहीं से लीक नहीं होती। सो ओवरऑल पैकेजिंग इज वेरी गुड। आप देखते हैं सिरोना का ये फेस सीरम की पैकेजिंग। तो ये पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लाइक ये जो बॉक्स है टाइप ये पेपर का बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छा है। लाइक ये टाइटली बंद होता है, लाइक शट होता है और इसमें से ये सीरम हम निकाल सकते हैं और जब यूज़ करने के बाद हम इसे रख सकते हैं और ये हम कहीं पर भी कैरी आउट कर सकते हैं। लाइक ये छोटा सा बॉक्स मुझे काफ़ी पसंद आया, अगर सीरम ख़त्म होने के बाद भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर पैकेजिंग की बात करें इसकी तो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया कि आपको इसे यूज़ करना है, इसके इंग्रेडिएंट, इसके की इंग्रेडिएंट्स, ये सीरम क्या करता है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई और ये एक एक्ने फेस सीरम है। सो ओवरऑल अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। अब देखते हैं ये फेस सीरम की मेन पैकेजिंग। तो ये कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। सो ओवरऑल अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी है। आप देखते हैं सिरोना फेस वॉश का टेक्सचर। तो ये इसका टेक्सचर थोड़ा सा जेल फॉर्म में है और इसमें थोड़े छोटे छोटे लाइक एक्सट्रैक्ट हमें ऐसा महसूस होता है कि इसमें फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट्स वगैरह है। ये उतना हार्श नहीं है स्किन पर, आप देख सकते हैं ये जो माइल्ड पार्टिकल्स है ना वो झट से लाइक एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन पर। ये थोड़े से भी हार्श नहीं है, एकदम माइल्ड पार्टिकल्स है इसमें। सो अगर टेक्सचर की बात करें फेस वॉश की तो मुझे टेक्सचर वाइज ये बहुत ही अच्छा लगा। आप देखते हैं इसके सीरम का टेक्सचर। तो सीरम के अगर टेक्सचर की बात करें तो थोड़ा सा वाटरी है, लाइट वेट है, झट से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, आप देख सकते हैं ये है इसका टेक्सचर। सो अगर सीरम का भी टेक्सचर देखें तो सीरम का टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा, लाइट वेट है, जब से एब्जॉर्ब हो जाता है। सो ओवरऑल इन दोनों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं इस एक्ने फेस सीरम का फुल रिव्यू। तो फर्स्ट थिंग इसके अगर की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई, और सैलिसिलिक एसिड और टी ट्री ऑयल एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और ये फेस सीरम एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी डल स्किन है तो ये इंस्टेंटली ब्राइटन अप कर देता है, आपके एक्सेस सीबम ऑयल को कम कर देता है, आपके एक्ने की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी और एक इसकी मेन बात है कि 100% नेचुरल, इसमें कोई भी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव या फिर केमिकल प्रेजेंट नहीं है। सो अगर आप एक नेचुरल सा फेस सीरम सर्च करो आपके एक्ने के लिए तो आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके बॉडी पर भी एक्ने हो तो आप बॉडी के लिए भी इसे यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अगर आप कुछ नेचुरल सर्च कर रहे हो तो इस सीरम को आप एक बार जरूर चेकआउट करें।
अब देखते हैं सिरोना का फेस वॉश का रिव्यू। सो अगर इस फेस वॉश की बात करें तो इसके की इंग्रेडिएंट्स है फ्लैक्सीड और एप्रिकॉट, और ये दोनों ही यू नो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लाइक अदर इंग्रेडिएंट्स भी इनके अच्छे हैं, लाइक मिंट ऑयल और अदर जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें, और ये 100% नेचुरल, इसमें कोई भी केमिकल एक्टिव केमिकल नहीं है। सो अगर आप एक 100% नेचुरल फेस वॉश सर्च कर रहे हो तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे अगर आप कुछ एंटी एजिंग या फिर हाइड्रेटिंग फेस वॉश सर्च कर रहे हो तब भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये एंटी एजिंग और हाइड्रेटिंग, लाइक अगर आप हाइड्रेटिंग फेस वॉश सर्च कर रहे हो तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इन दो कैटेगरी में सर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं। आप अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी बहुत ही अच्छी है, हमें थोड़ी सी अमाउंट लगती है इसे अगर आप दिन में से 2 times यूज करते हो तो। सो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आप सिरोना के अदर प्रोडक्ट्स भी चेक कर सकते हो उनके वेबसाइट पर, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक मेंशन कर दूंगी। उनके जो मेंस्ट्रुअल कप है वो इंडिया के बेस्ट सेलिंग मेंस्ट्रुअल कप है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप कुछ मेंस्ट्रुअल केयर में सर्च कर रहे हो तो। गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय।